छात्रों में बहुत ही असुविधाएं हुई, क्योंकि जैसे हमारे बहराइच वासियों को एक ये चाहिए था कि हमारे वहाँ से ट्रेन का उद्घाटन हो, क्योंकि गोंडा रेलवे स्टेशन तो पहले से ही है, लेकिन वो चीज नहीं हुआ। ये गोंडा से इन्होंने उद्घाटन किया और यहाँ और स्टेशन पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ स्टेशन पे किसी भी तरीके की कोई सजावट नहीं दिखाई दी, किसी अधिकारी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिखाई दी, उनको लगा बस काम हो रहा है। जी हाँ, जो स्टेशन गोंडा से और बहराइच आई है ट्रेन, यही ट्रेन यहाँ से उद्घाटन होकर के गोंडा जाती तो बहराइच की जनता को और हर्ष होता कि हमारे वहाँ से ये ट्रेन चलाई गई। भाई उद्घाटन का मतलब यही होता है कि हमारे वहाँ से ट्रेन चले। यादव के बारे में नारा लगा मैंने नहीं सुना है, अगर हो सकता है किसी ने गलती करके लगाया हो, क्योंकि आज जो नारा लग रहा है जय श्री राम का नारा लग रहा था, भारत माता जय की नारा लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लग रहा था, आदरणीय योगी और मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, यही नारे गोंडा से चल करके बहराइच तक लगते रहे हैं। हो सकता है किसी ने गलती कहा और सुना हो आपने। बहुत प्रतीक्षित रेलवे का उद्घाटन है, इसकी खुशी है, आवाम में भी खुशी है, नगरवासियों में विशेष खुशी है, लेकिन ये हक हमको आज से कतई 15 साल पहले मिल जाना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर पहले भी आना हुआ है, अगर हम यहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं की बात करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, मात्र यहाँ पर एक प्याऊ दिख रहा है जो श्री श्याम महिला कल्याण समिति की ओर से अग्रवाल समाज में दिया है। हमारी तरफ से यहाँ पर 3 प्याऊ दिए गए हैं, एक श्याम महिला कल्याण समिति की तरफ से और 2 मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से। यहाँ टॉयलेट की कमी है, यहाँ पर बैठने की जगह की कमी है, कमियाँ अभी बहुत हैं, बहुत सुधार की ज़रूरत है।